खबर अल्मोड़ा से आ रही है, जहां 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर ध्वजारोहण किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें ये आज़ादी यूं ही नहीं मिली, इस आज़ादी में हमारे देश के करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तब जाकर हमें आज़ादी मिली। उन्होंने शहीदों को भी याद किया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राज्य आंदोलनकारियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने पूरे देश के लोगों को शुभकामनाएं भी दी। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। जो हम आजादी मना रहे हैं, सर्वप्रथम मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बधाइयां देती हूँ। निश्चित रूप से ये 78वां स्वतंत्रता दिवस हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है, और मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमको ये आज़ादी दी है, आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी दिन है, और निश्चित रूप से इस बात का भी संकल्प लेने का दिन है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए बरकरार रखने के साथ साथ में हमारे को अपने देश के विकास के लिए जो योगदान एक भारत के नागरिक से हो सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में, उसे हम ईमानदारी से निर्वहन करें, वह भी संकल्प लेने का दिन है। तो मैं पुनः बहुत शुभकामनाएं देती हूँ 78वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त भारतवासियों और अपने उत्तराखंड।